नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हालत मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो चले हैं। पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है तो सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। किसान और छोटे कारीगर परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा राज में अब हालात सुधरने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी छोड़कर वापस प्रस्थान कर जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भाजपा राज में जंगल राज में पुलिस थाने अराजकता हिरासत में मौत और बर्बर पिटाई के अड्डे बन गए हैं। पुलिस थाने के अंदर ही एक दूसरे पर हमले की वारदात होना पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान है। अमरोहा का ढोलक कारोबार चौपट हो गया है। कारीगरों का काम सुचारू रूप से न चलने से उनके घर खर्च चलना मुश्किल हो गया है। उनको आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री एक जिला एक उद्योग की ढोल खूब पीटते रहते हैं, परंतु जहां ढोलक से ही सैकड़ों लोगों की आजीविका चलती है, उधर भी कभी कभी ध्यान दिया कीजिए मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव जी ने आगे कहा था कि महिला सशक्तिकरण पर सिर्फ भाषणबाजी करने वाले मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी 181 महिला हेल्पलाइन तक नहीं चला सके, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां की सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार हो गई है। आशा ज्योति केंद्रों में एक साल का वेतन बकाया है। सबसे बड़ा घोटाला तो शिक्षक भर्ती का है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। बेसिक शिक्षा में अनामिका और प्रियंका जैसी कितनी ही फर्जी शिक्षकों की भर्ती है। सचिवालय के अंदर बड़े चेहरे और बड़े अफसर की भी नौकरियां और बड़े ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा चल रहा है। भाजपा मंत्री के स्टाफ के लोगों के इस खेल में संलिप्त रहने की पहले भी सूचनाएं थी। सचिवालय के अंदर एक फर्जी कार्यालय भी खुल गया है और सरकार को खबर तक नहीं हुई। अखिलेश यादव जी ने सीधा निशाना साधते हुए योगी सरकार को कहा था कि अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो उत्तर प्रदेश को, तो कृपया आप कुर्सी छोड़कर प्रस्थान करिए और किसी और को मौका दीजिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों नमस्कार।